प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम देखेंगे आदात के इल्म में आदात को समझकर, पढ़कर उसको किस तरह से लिखा जाता है। उसी के तहत आदात के इल्म में मुकाबला जाती इम्तिहानों में आदात के इल्म के ऊपर तरह तरह के और मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। उसी में से एक किस्म ये भी है जो आज हम देखने जा रहे हैं। उसमें एक अदद दिया जाता है और उस अदद के अंदर कितनी इकाइयाँ हैं, कितनी दहाइयाँ हैं, कितने सैकड़े हैं, कितने हज़ार हैं, कितने 10,000 हैं, इस तरह के सवालात बदल बदल कर, तरह तरह से उसकी टाइप बदल कर पूछे जाते हैं। तो सवाल के अंदर वो आदत दिया जाता और उसके अंदर इकाइयाँ पूछी जाती, दहाइयाँ पूछी जाती, सैकड़े पूछे जाते। तो इस तरह के सवालात मुकाबला जाती इम्तिहान में, स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे सवालात रहते और उसको किस तरह से हम उसको समझें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप गौर से देखें। ये सिर्फ आपका स्कॉलरशिप का इम्तिहान नहीं है, ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों इम्तिहान हैं जो मुकाबला जाती हमको देना पड़ते हैं। तो ये इस तरह के जो सवालात हैं वो इसको हम अच्छे से समझें, समझने के बाद इसको जहन में रखें ताकि आइंदा ज़िंदगी में आपको इन सवालात से, इस तरह की मिसालों से आपको सामना होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आदाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार कि ये तो जो तादाद है वो किस तरह से निकाली जाती है। जैसे कि एक आदाद है यहाँ पर 517। इस आदाद में पूछा ये जाता है कि 517 में कितनी इकाइयाँ हैं। तो जाहिर है कि हमको जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है कि वो हम झट से कह देते हैं कि इसमें ये 7 इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अदद जितना लिखा गया है उसके वो अदद पूरा का पूरा इकाइयों से मिलकर ही बनता है। जैसा कि अगरचे हमने तुमको ये कहा गया कि 517 रुपये हमने तुमको दिए और इसमें बताओ कितने रुपये हैं, तो रुपये यानी एक रुपया, यानी कि वो एक इकाई कहलाएगा। तो इस तरह से अगरचे हमने तुमको बोले कि एक एक रुपये के 517 रुपये दिए, है ना, तो ये 517 रुपये यानी कि ये पूरे 517 इकाइयाँ कहलाएंगा। यानी 517 में 517 इकाइयाँ ही होते हैं। अब अगर चीज के अंदर इसको सवाल को बदल कर पूछा गया कि 517 में कितने दहाइयाँ होंगे, है ना, 517 में कितने दहाई, कितने दहाई। अब जाहिर है कि अब यहाँ पर या ऐसा सवाल आ गया कि 5317 में कितने सैकड़े। इस तरह के सवालात अक्सर मुकाबला जाती इम्तिहान में पूछे जाते हैं। या 5122 इस अदद में कितने हज़ार, इस तरह के सवालात मुकाबला जाती इम्तिहानों में पूछे जाते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर हम बताएं कि 517 में कितने इकाई, तो जितने अदद हमको नज़र आता उतने ही इकाइयाँ उसमें होती हैं। रहा सवाल अब ये दूसरा, 517 में कितने दहाइयाँ होती हैं। इसका पहचानने का आसान तरीका यह है कि ये जो 517 है, ये जो दहाई है, ये दहाई यहाँ अगर हम देखें, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, है ना, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। अब यहाँ पूछा हुआ है कितने दहाइयाँ हैं, तो ये दहाइयों को छोड़ देने का और ये इकाई को भी छोड़ देने का, यानी कि दहाई और सैकड़ा ये दोनों मिलाकर जो हिंसा बनेगा उतने दहाइयाँ,
यानी कि इसमें 51 दहाइयाँ हैं। अब तीसरा सवाल अगर देखें कि 5317 में कितने सैकड़े हैं। अब सवाल है यहाँ पर सैकड़ा पूछा है ना, तो सैकड़ा जो है यहाँ पर ये कितने सैकड़े हैं, तो ये दोनों दहाई को छोड़ देने का, इकाई और दहाई को, उसके आगे जितना रहेगा उतने सैकड़े, यानी कि इसमें 53 सैकड़े हैं। अब तीसरे सवाल में यहाँ पर आखिर में 5122 इस अदद में कितने हज़ार हैं। अब हज़ार है तो यहाँ पर ये छोड़ देने का, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये तीनों छोड़ देने का, और जो बचेगा वो उतने हज़ार हैं, इसमें सिर्फ 5000 हैं। इस तरह के सवाल, और इससे भी बड़े बड़े सवाल, जैसा कि यह है 55,55,555, इस अदद में अगर पूछा गया कि इसमें कितने हज़ार हैं, कितने हज़ार, तो हज़ार पूछा है तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि ये सिर्फ इकाई दहाई सैकड़ा ये छोड़ देने का, और ये जो अदद बनता है उतने हज़ार, यानी कि पूछा है अपने को हज़ार, हज़ार से पहले जो आने वाले हैं सैकड़ा दहाई और इकाई, उसको छोड़ देने का, और बाकी का जो बचा हुआ अदद है उतने हज़ार, यानी 5555,000। एकदम आसान है ये, सिर्फ अगर चीज़ का पैटर्न समझ में आ गया, तरीक़ा समझ में आ गया, तो एकदम लिखना आसान है। समझने के लिए और एक बार ख्याल रखें, इकाई पूछा तो जितना जो अदद रहेगा उतने इकाई, दहाई पूछा तो इकाई को छोड़ देने का, जो बचेगा वो उतने दहाई, अगर सैकड़े पूछा तो इकाई और दहाई को छोड़ देने का, जो बचेगा वो उतने सैकड़े, हज़ार पूछा तो इकाई दहाई सैकड़े को छोड़ देने का, जो बचेगा वो उतने हज़ार। इस तरह से हम ये सवालात को हम हल कर सकते हैं। इसमें और एक किस्म का सवालात आते हैं, इसी में सवाल की नौइयत बदल कर सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है पचास दहाई, यानी 50 दहाई यानी डैश डैश सैकड़ा, 50 दहाई यानी डैश डैश सैकड़ा, यानी कितने सैकड़े या कितने हज़ार, इस तरह के सवालत ये अदद दिया जाता और पूछा जाता कि इसमें 50 दहाई में कितने सैकड़े होते हैं। तो ये इस तरह के सवालत, और दूसरे इसके ऊपर भी सवालत रहते, 145 दहाई यानी कितने सैकड़े, 145 दहाई यानी कितने सैकड़े, यहाँ सैकड़े की तादाद हमको लिखना पड़ता, तो इस तरह के सवालत भी मुकाबला जाती इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये निकालना एकदम आसान है, इस पर से हम, जैसा कि मैं इससे पहले बताया था कि उसी तरह से जिस तरह से सैक जो पूछा है उसके आगे के मुकाम छोड़ देने का, और उसके ऊपर से जो बच जाएगा उतने अदद, उतने हज़ार, उतने सैकड़े, उतने दहाइयाँ, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं।